ध्वजा। अब देखो कितनी बड़ी ध्वजा है भैरू जी की, कितनी बड़ी है, कितने लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और कितनी वजनदार है। नमस्कार जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज कोटमदेसर भैरू जी के मेले का दूसरा दिन है, आप पार्ट वन भी देखना, ये दूसरा पार्ट है ये भी जरूर देखना। चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। कोटमदेसर भैरू जी का मेला बीकानेर का प्रसिद्ध मेलों में से है, जो राजस्थान के टॉप में मेलों में से आता है। जो भैरू जी का मंदिर चलेंगे अपन 30 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट करते हैं यात्रा। अभी टाइम हुआ है 6:15। ये क्या है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कई लोग पैदल जाते हैं 30-40 किलोमीटर भगवान के मंदिर दरबार, और कई लोग ऊंट गाड़ा कर लेते हैं, जैसे अपने परिवार के साथ ऊंट गाड़ा कर लिया और बैठ के चले गए। आने जाने का होता है 3-4 हज़ार रुपये में हो जाता है। कोटमदेसर भैरू जी के दो मेले आते हैं, जिसमें पहले दिन भी इन्होंने सेवा लगाई थी आलू के कोफ्ते, चाय, केसर, और दूसरे दिन भी इन्होंने सेवा लगाई, देखो जलेबी, आलू कोफ्ते। और जय हो भैरूनाथ की। ये थर्माकोल से भैरू जी का सेट बनाया है, जो भैरू जी का मेन मंदिर है ना कोटमदेसर जी, सेम वैसा सेट बनाया, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही बेहतरीन। भैरू जी के मतलब क्या प्यारी तस्वीर है, आप देखो दिल खुश हो जाता देख के। इतनी भारी भारी, इतनी ऊंची ऊंची ध्वजा लेकर के जाते हैं, कितने जने कोऑपरेट करते हैं इसको, बहुत ही बड़ी बात है, सलूट है। मेले के टाइम में सड़कें जाम हो जाती है, आप देखो कितनी कितने किलोमीटर तक, आप देख सकते हो कितने बड़े लेवल पे भैरू जी का मेला है। कई आदमी 30 किलोमीटर यात्रा पैदल नहीं कर सकता, वो अपनी बाइक पे भी जाते हैं, जैसे मैं भी बाइक पे गया था, और कई लोग पैदल जाते हैं, कई लोग ऊंट गाड़े पे जाते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग जाते हैं, कई ऑटो में जाते हैं, कई लोग मैजिक गाड़ियों में जाते हैं, और इतना जाम रहता है, कई किलोमीटर तक जाम हो जाता है इस टाइम रोडे। बड़े ही व्यस्त मस्त मेला है, ये राजस्थान के टॉप के मेलों में आता है। देख सकते हो इतनी भारी भारी ध्वजा होती है, कितने लोग कोऑपरेट करते हैं उसको, साथ में चलते हैं, जमीन पे टच नहीं करते, जमीन पे टच होनी नहीं चाहिए, सीधा भगवान के मंदिर चढ़नी चाहिए, कहीं भी रखते नहीं है, ये ले जाते हैं सीधी। तीस किलोमीटर यात्रा के दौरान रास्ते में लोग डीजे पर डांस करना एंजॉय करते जाते हैं, आप देख सकते हो, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही आनंद आता है रास्ते में जब हम जाते हैं हमारे को मेलों का। वैसे राजस्थान के मेले टॉप के मेले होते हैं, अगर आपको कभी मौका मिले तो राजस्थान आते हैं तो मेलों में ज़रूर घूमना। ये भादवे में आता है साल में एक बार, और बहुत बड़े लेवल पर होता है, और पूरे राजस्थान में हर जगह मेला होता है, कहीं मेहंदीपुर बालाजी का, कहीं सालासर बालाजी का, कहीं करणी माता का, कहीं कोटमदेसर भैरू जी का, कहीं बाबा रामदेव जी का, कहीं पूर्णासर हनुमान जी का, मेले ही मेले होते हैं राजस्थान में पूरा महीना, और जगराते ही जगराते होते हैं हर गली चौराहे पर।
मेले के दौरान सबसे बड़ी ध्वजा थी जो बैरू जी को चढ़नी है, 51 फुट ध्वजा। पहले मेरे पार्ट वन में आप जरूर देखना, वहां पे 41 फुट ध्वजा थी, ये 51 फुट ध्वजा है। कितने लोग इसको कोऑपरेट कर रहे हैं, कितनी मुश्किल है पैदल चलना, वो भी ध्वजा के साथ में। आदमी अकेला पैदल 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर यात्रा करता है ना खाली हाथ, तो भी उसको थकान होती है। ये इतनी बड़ी ध्वजा वो भी खोल के ले जाना, बंद ध्वजा तो ले जाते हैं, खोल के क्या हवा का परिसर पड़ता है ना, इनको बड़ी तकलीफ होती है। मोटी मोटी रस्सियों से बांध रखा है कि कहीं भी ध्वजा किसी कारणवश जमीन पर टच ना हो जाए, जमीन पर टच नहीं कराते, कहीं जमीन पर गिर ना जाए। और देखो आप कितनी तकलीफ हो रही है, लोग रास्ते में जा रहे हैं, इनको डोरियों से ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का। ये जय भैरू बाबा की सलूट है, ऐसे लोग इतनी मेहनत करके भैरू जी के ध्वजा चढ़ाते हैं, रास्ते में कहीं भी ये जमीन पे नहीं रखेंगे, ये सीधा भैरू जी की मंदिर ही जाएगी। इनको अगर चाय पानी नाश्ता कुछ भी करना है ना, तो ये क्या है ध्वजा को कुर्सी पे या कोई टेबल पे रख के उसके बाद करेंगे। भैरूनाथ को गलती और क्षमा करना। जय भैरूनाथ की। आज तीसरा दिन है कोटम देसर जी का, जो मैं आगे हूँ मंदिर में। दिन में मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि दोस्तों ने भरोसे रख दिया, अब रात को मैं पहुंचा हूँ, अभी टाइम हुआ है 9:30। चलते हैं भैरू जी के दर्शन करते हैं। बोल भैरूनाथ बाबे की जय। जय भैरूनाथ। बोल भैरूनाथ बाबे की जय। जय भैरूनाथ। जय श्री भैरूनाथ। जय श्री प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को देखें, ऐसे आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा, बढ़िया से बढ़िया कोशिश करूंगा। और प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे को बड़ी मेहनत लगती है वीडियो एडिटिंग में, वीडियो बनाने में, रात रात भर खराब हो जाती है मेरी। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने यार दोस्त कलीग जानकारों को मेरा वीडियो शेयर जरूर करें। जय भैरूनाथ की। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।